हेलो व्हाट्स अप गाइस, हम यू ऑल ऑफ कैसे सभी लोग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज आप लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं रिंग्स ऑफ द थ्रोन राइड, जो कि काफी तगड़ा गेम है। एंड आप लोगों ने पिछली बार बात की थी कि हम लोग जा रहे हैं एक ऐसा मैप ढूंढने जो कि हमें बताएगा जो सिटी ऑफ जो सिटी है छुपी हुई, जो कि अंडरग्राउंड टाउन वगैरह कुछ है, वो सिटी है उसके बारे में एक मैप है, वो हम लोग शायद ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें उसके बारे में कोई हिंट नहीं मिला है। लारा एंड सोफिया एंड जॉन दोनों के साथ मिलकर के शायद ये ऐसा कुछ करने वाली है। एंड जोहन एंड सोफिया दोनों को पता है कि कहाँ पे ये सब है। ओह, सो लेट्स गो। स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट कर लेते हैं गेम प्ले को। पानी से होते हुए हम कहीं तो जा रहे हैं, शायद आगे की तरफ रास्ता डेंजर ही लग रहा है भाई। जैसे जैसे इस गेम में हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये गेम और भी ज्यादा डेंजर होता जा रहा है। भाई जहां से आया था वहीं पहुंच गया क्या? नहीं, वहां तो नहीं पहुंचा हूं, लेकिन आगे जाना है अभी और भी बहुत ज्यादा। भाई दम घुट रहा है यार। चलो चलो ऊपर, चलो ऊपर ऊपर। या आई थिंक हम आगे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही टूट फूट नहीं दिख रही है। सच में कुछ ज्यादा ही टूट फूट है यार। अरे मेरे को लगता है यहाँ पे ट्रिनिटी से हमारी एक बार फिर से फाइट वाइट कुछ होने वाला है क्या? ओ, यहाँ से जंप करके मैं देखा दीवार को पकड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा, बट नहीं, ऐसा नहीं है। ओ बेटे, हम तो कीचड़ में गिर गए। यहाँ पे कुछ तो है जो कि लारा को दिख नहीं रहा है। ओ, सोफिया यहाँ पे आ चुकी है। You know I'm not with Trinity. Why should we believe you? I escaped with one of yours, a man named Jacob. Where is he now? We were together, but we got separated in the mines. She killed him! No! No, 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 no! Jacob would never trust an outsider. Please, listen, I am not your enemy. I warned you. You should have left. Sophia! Enough! No, क्या जैकब की अच्छी एंट्री है? ओके, जैकब इसका फादर है, मेरे को पता ही नहीं था यार। I thought I lost you. I'm glad you made it out of there. Forgive Sophia, she is cautious. In her position, I'd be the same way. What did you find out? Trinity is coming in force. We must prepare. Her? ओह अच्छा, वो जो मैप है उन दोनों का, इन मतलब उस मैप का इन दोनों को पता है, तो वो रेडी इनको मारने के लिए आ रही है। उस मैप का पता करने के लिए रास्ता, उस मैप का। Come, you do not have much time. ये लोग सिक्योरिटी एक तरीके से करते हैं उस लॉस्ट सिटी के मैप की। ओके, वेपन्स रेडी करने के लिए बोल रहे हैं ये सोफिया एंड जैकब दोनों। Incredible. ओह, ये काफी अच्छा है। सोफिया, muster our fighters, then meet me in the upper village. Don't disappear again, father. There's much to do. If we had more time. Later. For now, I'll do what I can to help. ओए, मेरे को पता है इन सब से क्या लगता है कि जेकब भी एक अच्छा फाइटर वगैरह है। मेरे को ये सब देख के लग रहा है, तभी तो भाई माइंस में वहां पे नीचे रह गया था, फिर भी जैकब अभी तक निकल के आ चुका है वहां से। ओके, कंपाउंड बो पार्ट ऐसे कुछ था क्या?
ओके यहाँ पे ये जो जैकब के बंदे वो कुछ बातें कर रहे हैं विलेज के, एंड जो जैकब है ये इन सब का शायद हेड लीड जो भी होता है वो है। यहाँ पे कुछ है क्या मैं देख रहा हूँ जो हमारे काम में आ सके? नहीं मेरे को बात नहीं करनी है इससे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओके चलो हम लोग ये कर लेते हैं, स्किल्स वगैरह अपग्रेड कर लेते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। इसमें वैसे अपग्रेड सब अपग्रेड ही है। kind of map of the ruins, I've got to find it before Anna. If I don't, then all these deaths will have been in vain. And I can't have that on my conscience. मैं चेक कर रहा हूँ एक एक चीज को कि भाई कौन सी अच्छी होने वाली है। ये अच्छी है बट इतना भी अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। यही अच्छा रहेगा हमारे लिए। ओके एंड अब लोग कुछ और अपग्रेड कर लेते हैं, यही कर लेते हैं ज़्यादा बेस्ट रहेगा। चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से। ओके इसको भी हम अपग्रेड कर सकते थे बट हमने किया नहीं, हमारे पास एक ही स्किल पॉइंट था मैंने ध्यान नहीं दिया। ओके इसमें सर्वाइव में है। ओके हम स्किल अपग्रेड करते हैं कुछ ताकि हमें सर्वाइव करने में कोई दिक्कत ना आए, समझ रहे हो? अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलता रहे जल्दी जल्दी से। ओके ये किस काम का है पता नहीं, मैंने क्या फेंक दिया लेकिन फेंक दिया है भाई, फिर से फेंक दिया। ये टूटेगा नहीं क्या? ओके ये लोग बातें कर रहे हैं भाई। नहीं यार बॉम्ब वाला है नहीं है, पहले बॉम्ब वाला मिला था शायद हमको एक बार, है ना? बॉम वाला होता ना तो एक बॉम में फट से दूर हो जाता सब कुछ। ओके इधर हमें, ओ भाई कद्दू, कद्दू को फोड़ सकते हैं? फट रहा है कद्दू, ये भी कद्दू था पता नहीं क्या था। खेती वगैरह भी कर रखी है इधर बहुत सही भाई, पूरा विलेज बना रखा है, विलेज बना नहीं रखा सॉरी विलेज ही है पूरा एक तरीके से। ओके कुछ वुड मिल गई है, ये बोरवेल है या फिर कुआ। ओके इधर हाउस है एक खुला हुआ, ये बात नहीं कर सकता मेरे से। इधर कुछ तो है, अरे नहीं यार ये मेरे को, मैं ना इन सबको पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ भाई, अब नहीं पढ़ना। ओके इधर भी कुछ है ये भी कुछ तो है पता नहीं क्या है। भाई ये क्या बकवास है, कूद जाना भाई थोड़ी ना रहा है। ओके चलो निकलते हैं फटाफट, नीचे हमें जाना है नीचे की तरफ, हमारा शायद सोफिया वेट कर रही है। ओ भैंस की मेरे को यहाँ पे नहीं गिरना था, अभी मुझे इतनी बड़ी बड़ी जंप मारनी पड़ेगी ना, क्या ही पुलू में ये बैठे गिरा। चलो फटाक से सोफिया के पास चलते हैं। जैकब बोल रहा है कि आई एम सॉरी सोफिया ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया वगैरह वगैरह। My people have spent decades fighting outsiders. It's not an easy habit to break. See if you can lend a hand with the preparations. A little hard work would go a long way towards building trust. I'll see what I can do. Okay, शायद सोफिया ने सबको अपने पास बुलाया है जो फाइटर्स हैं उनको, ये हॉर्न शायद उसी का बज रहा है वगैरह वगैरह वाला कुछ, ये फाइट शुरू होने वाली है वैसा ही कुछ है। Jacob is assembling fighters in the upper village to draw their attention there. The children and those too old to fight will be safely hidden in the Acropolis catacombs. I will go there once things are in hand here. You said they were heavily armed. How can we expect to beat them? The fight will not be won in open combat. They will hit us hard and fast, and we will take losses. They hope to crush us in their initial assault, but we will turn their eagerness into our advantage. This will be a long engagement, a
ओके उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही है सोफिया कि विलेज के बच्चे वगैरह को ऊपर ले जाओ, ये वो करके बताया क्या इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सोफिया उनको बता रही है अपने प्लान्स वगैरह जो भी है। वो हमें ही बता रही है लेकिन हमें उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो पता नहीं यहाँ पे क्या है। ओके ये वैसे आपको एक चीज़ बताऊँ, ये फास्ट ट्रेवल भी होता है जिसे हम अनलॉक कर रहे हैं अभी। मतलब जैसे बोनफायर के पास बैठने से, बोनफायर के पास बैठने से ना फास्ट ट्रेवल भी अनलॉक हो जाता है, तो अभी हम यहाँ से कहीं पर भी ट्रेवल कर सकते हैं, वापस अगेन हम यहाँ पर आ सकते हैं। Could use your help. Our people are spread thin across the valley. If you light the signal tower, they'll know that the danger is imminent. I'll do what I can. Once the fire is lit, they'll know what to do. Okay, Jacob, हमें राइट में जो टावर है उसके ऊपर चढ़ने के लिए बोल रहा है, एंड बोल रहा है कि उसकी जो बोनफायर है उसको जला दो ताकि जो बंदे हैं हमारे उनको पता चल जाए कि वैली के अंदर घुस गए हैं ट्रिनिटी के बंदे। वही करने वाले हैं, इधर लगाना है क्या? ओके एक जंप और ये पकड़ा नीचे ने, अच्छा यहाँ पे है ना गिरने के लिए। ये मेरे को लग रहा है ना इतना पुराना पुराना क्यों लग रहा है भाई? हाँ मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था कि टूटे फूटे का कुछ भाई, बड़ा ही डेंजर होने वाला है ऊपर चढ़ने वाला सीन। वैसे गेम शुरू हुआ था उसमें वो बर्फीला वाला सीन था, उससे तो उतना हार्ड भी नहीं है। और नीचे गिरना आई थिंक हमें। ओ बैठे 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 वैसे एक बात मैं कह सकता हूँ कि लारा एक ऐसी फाइटर भी है, जो स्किल्स लारा के पास है वो बहुत ही हार्ड है। मतलब लारा के सामने ट्रेनरी के बंदे ऐसे फूल माला वाला जैसा नहीं होता है, वैसे कुछ सीन है भाई। वो फटाफट 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 कनपट्टी के नीचे बजाया जा रही है बस। ओके अब ये क्या तमाशा है भाई, मतलब जैकअप कैसे कैसे काम करवा रहा है, ये शुरू होने से पहले ही टूट दे रहा है भाई। लो कर लो बात, वापस नीचे कैसे जाऊंगा भाई मैं? ओके मैं थोड़ी टाइम में अनाउंस करूंगा एक नेक्स्ट गेम जिसकी सीरीज अपन लोग स्टार्ट करेंगे ये गेम कंप्लीट होने के बाद में, समझ रहे हो? इस गेम की सीरीज पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में कुछ शायद अपन लोग सिम्युलेटर गेम्स हैं उनको खेलेंगे, उनकी सीरीज 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाती है। पता है सिम्युलेटर गेम में इतना कुछ खास होता नहीं है, कंप्लीट करो बात खत्म। जो मेरे को हिस्टोरिकल गेम्स नहीं होते वो ज़्यादा पसंद है, सो मैं उन्हीं को शुरुआत से खेलना चाहता था, लेकिन मेरे पास बाय द वे पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि मैं खेल पाऊँ, बट अभी है तो हम लोग वही खेलेंगे। आई नो कि आसान नहीं होता है किसी भी चैनल को गेमिंग एक पर्टिकुलर गेम से गेमिंग में चेंज करने में, समझ रहे हो? आई मीन पहले एंड्रॉयड आई मीन बैटल रॉयल्स गेम से एक पीसी गेम्स में थोड़ा कन्वर्ट करना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों का साथ यूं ही बना रहा तो हम लोग काफ़ी अच्छे अचीवमेंट्स करेंगे, एंड वादा करता हूँ आपको एक अच्छा कंटेंट्स मैं हमेशा देता रहूँगा, लाइक अच्छे गेम्स एंड अच्छी कॉमेंट्री के साथ। ओके बॉनफायर ऐसे ही चलेगा ना? नहीं 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 ऐसे चलेगा, जल गया रे मुन्ना क्या बात है। वैसे हमें गुड न्यूज़ ये कि हमें एक फायर एरो भी बन चुकी है, जो कि हम किसी भी चीज़ को जलाना हो ना तो फायर एरो बना सकते हैं, समझ रहे हो? निकलना है हमें यहाँ से, मगर यहाँ पे भी कुछ मिलने वाला है क्या? ओह वाटर बूंद वगैरह कुछ, जिससे ऑयल, जिससे हम कुछ ना कुछ बना सकते ऐसा। ओके वहाँ से इसको कनेक्ट करना है और यहाँ से सीधा जा सकते हैं हम, ये काफ़ी अच्छा है भाई। आधे रास्ते पे हम ऐसे ही जंप कर गए थे। ओके कुछ सॉन्ग टाइप बज रहा है, पता नहीं ये क्यों बज रहा है, कुछ डेंजर तो नहीं होने वाला भाई? डेंजर से डर लगता है भाई। इधर भी कुछ है एमओ, अरे उठा ले मेरे भाई।
अभी क्या करना है? ओके इधर कुछ है पढ़ने के लिए, इससे स्किल्स वगैरह स्किल पॉइंट्स हमें मिलते हैं, समझ रहे हो? ओके यहाँ पे एक बंदा खड़ा है जैकब के विलेज का। ओके हेलीकॉप्टर का साउंड आ रहा है, ट्रिनिटी का हेलीकॉप्टर। ओ भाई ये लो ब्लास्ट कर रहे हैं वो लोग। ओके हमें आगे जाना है यहाँ से सीधा सीधा। वो लोग बोल रहे हैं कि अपने वेपन्स डाउन कर दो, सिलेंडर कर दो, वरना बचोगे नहीं। बट जैकब के बंदे हाईली ट्रेंड है भाई, वो इतना जल्दी भी नहीं करने वाले। अरे सीज फायर के लिए बोल रहे हैं बट ये लोग ऐसा नहीं करने वाले मेरे को जहां तक लगता है। ओ भैंस की टांग, इधर क्या चल रहा है? लो भाई जैकब एंड उसके दो बंदे जिसके ऊपर गन लेके खड़ा है एक बंदा। ओ हो शॉर्ट गन, वो भी काफी अच्छा है। ओ भाई उड़ा दिया। भैंस की टांग मार रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ तो करना है। अरे भाई ये मैप बता रहा, मत कर ऐसा भाई। Okay. Tell me about this atlas. ओके दूश। ओ ओ ओ शॉटगन छीन के उसी को बजा दिया भाई। ओ हमें शॉटगन भी मिल चुकी है, काफी अच्छी बात है। ओ भैंस की टांग, एमओ भी काफी सारी। ओ बैठे अब आ रहा ना मजा, बैठे अब आ रहा है मजा। रीलोड हो रही है। ओ बैठे कसम से अब आ रहा है ना गेम का मजा भाई, शॉटगन लेने के बाद अलग ही फील आ रही है भाई कसम से। ओ मैं ओ बैठे ओ ओ ओ बैठे ओ बैठे ये फोड़ रहे हैं, लारा को पड़ रही है आई थिंक। मार रहे हैं सारे भाई हरामी के पिल्ले। रुको हमें पीछे जाना होगा। यहाँ मत आ मुन्ना, यहाँ मत आ। वो भाई चाकू लेके, वो चाकू लेके आ रहा है बैठे। ओ बैठे गलत टाइम पे सही जगह पे आ गया तो है। अरे 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 एक गया दूसरा गया, थोड़ा रेट ऑफ फायर डाउन है इसका जो कि हम लोग अपग्रेड करेंगे बाद में तो तगड़ा हो जाएगा। साथ ही साथ हमें सब कुछ लूटते हुए रहना होगा वरना शॉटगन की एमओ खत्म हो जाएगी। ओके एमओ मिलती जा रही है, कुछ कांड होने वाला है क्या भाई? ओ ओ स्टोरी मोड, ये जल क्यों रहा है भाई? आग में गिर गया था क्या? अरे भैंस की टांग, ये जलाने वाला यहाँ भी आ गया भाई। ना मुन्ना ना ऐसा मत कर। अरे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, भैंस की टांग इसके साथ। रुक जा तो तेरे से मर जाऊंगा, तेरे को लग रहा है क्या ऐसा? इसको शॉटगन से ही बजाना पड़ेगा भाई, क्योंकि हील करते हैं पहले एंड फिर बजाते हैं इसको। ओह एक बजा दिया, इसको 10-12 शॉट डाउन। ओह एक और, एक और, हमें जंप करते करते ही मारना पड़ेगा। ओके ओ बेटे ये लात मार रहा है क्या? एक और, ओ डैमेज डैमेज डैमेज, इसकी आंख के सामने नहीं आ रहा है। वो बैठे फिर से मार रहा है बहुत गंदा वाला। नहीं 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 नहीं, भागो भागो मर जाएंगे भाई। ओ बैठे अब की बार अच्छा था, हम कर सकते हैं भाई हम कर सकते हैं। अरे नहीं यार रीलोड पे आ गई क्या? फिर बजा दिया। ओके हमारी हेल्थ फिर से डाउन। वो बहुत डैमेज है हम लोग। भाई ओ क्या साला हरामी का सिलेंडर फट गया भाई, ऐसे आग वाला सिलेंडर लेके आ गया, फुस 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 करके जला दे रहा है। और अच्छा खासा वेस्ट हेलमेट भाई, पता नहीं क्या सूट वगैरह पहन के आया था, साला मर ही नहीं रहा भाई बताओ यार, शर्म ही नहीं आ रही लोंडे को। बोल रहा मैं तो ना जा रहा। ओके ये शायद जो सोवियत रूस सोवियत मील का पता नहीं क्या कुछ है वो है यहाँ पे। ओके
ओके दोनों भाई बहन यहाँ पे बैठे हैं, एना एंड पता नहीं इसका क्या नाम है, कॉन्स्टेंटाइन, कॉन्स्टेंटाइन इसका नाम है, एना एंड कॉन्स्टेंटाइन काफी अच्छा है. Trinity will step in if you do. And you know what that means? I'm expendable. They have no interest in my survival. I need the power of the source. And you will have it. Don't lose faith, Anna. This is God's will. Our success is inevitable. Please, just find it. My time is running out. ये ऐना भी भाई इतनी अच्छी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं. कि पहले तो बोल रही है कि भाई मेरे पास, मेरे को डिवाइन सोर्स की ज़रूरत नहीं है, फिर बोल रही है कि मेरा रनिंग टाइम हो रहा है, मेरे को डिवाइन सोर्स की ज़रूरत है वगैरह वगैरह वाला. ओके प्रेयर कर रहा है भाई, किससे कर रहा है पता नहीं. ओके हाथों में गोली लगी है क्या दोनों में, ये क्या सीन है. These sins you have forced me to commit, they must have a purpose. Only you can show me the way. Grant me strength to continue for her, for you, for Trinity. Please, show me the way. Oh, bhai, iske bleeding ho gayi kya? Fuck. ओके भाई अब कुछ अलग ही करने वाला है, सबको मारने वाला है क्या, ऐसा क्यों लग रहा है. अरे ना मुन्ना ना ऐसा मत करियो. ओके फिर से यहाँ पे सीन दिखा रहे हैं फाइट का. भाई जोहन के जो जोहन की जो सारे के सारे, आई मीन सॉरी जैकब, सॉरी गाइस, जैकब एंड जोहन के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है नाम में. ये जैकब है, जैकब के काफी सारे पीपल्स है जो कि ये बोल रहा है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा जो काम है ये. ट्रिनिटी वोंट स्टॉप विल दे, आई डाउट इट, दे हैव मेनी रिसोर्सेज एंड द एटलस. It's an ancient map to the old city. But Trinity won't find it at that tower. Many of my people live in those ruins. They won't be prepared for what's coming. I can help them, Jacob. Will you do this for us? Or for that which you seek? Right now, they're one and the same. I'll be back with reinforcements after I've tended to the wounded. Okay, Jacob ja raha hai and Lara ko jana hai Jacob ke kuch player Jacob ke kuch bandon ko bachane ke liye. Let's go, hum log chalte hain. Okay, yahan se kuch lootte hue chalte hain na. I know. I'll see to the wounded here. We have to get them to some place safe. When that's done, we'll gather anyone still able to fight. ओके अभी भी यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं जो कि अनलूटेड है, जैसे कि एमओ, एमओ बट हम उठा नहीं सकते, स्किल्स पॉइंट्स हमारे पास है नहीं, वरना बैकपैक को अपग्रेड करके उठा सकते थे. लोड का रीलोड किया, एमओ उठाया, 4 एमओ ही हमसे उठा, पिकअप कर पाए. ओके इससे बात करते हैं. ओके उससे लारा ने पूछा तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए, तो वो बोल रहा है नहीं मेरे को ऑलरेडी तुम लोग मेरी बहुत हेल्प कर दी वगैरह वगैरह. ओके अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना है, ये काफ़ी अलग ही है, मेरे को नहीं पता इतना बड़ा स्पेस क्यों मारा है. इधर से नहीं जाना हमें, इधर राइट से जाना है, इधर पकड़ के इधर अंदर गए. यहाँ पर गिलहरी घूम रही है. ओके यहाँ पे कुछ लूटेड है जो कि हम लूटते हुए चलेंगे. ओबियसली हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं क्योंकि आगे आगे कुछ नए वेपन्स हमें जो मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे वगैरह वगैरह. ओके यहाँ पे मेनली जैकब ने हमें कहा था कि यहाँ पे हमारे कुछ बंदे जो फंसे हुए हैं ट्रेंडी के बंदों से, तो उन्हें बचाना है.
थोड़ा अपग्रेड करते हैं उसके बाद चलते हैं. When the last embers of the sunlight dying upon a good day's work. Then okay, rate of fire ko thoda bada diya taki acha rahe. Smell of roasting meat wafts across the camp. Okay, is gun ko thoda upgrade karna padega warna ye bhai kisi kaam ki nahi hai. Recoil wagera bahut jyada marti hai aur goli ek ghante mein ek marti hai. Maybe next time I'll bring you out here too. Okay, jis bande se hum baat kar rahe the uski baat abhi bhi hamare walkie talkie pe chal rahi hai. Memories, dad, being out on the digs with you. Especially when you gave me my own little plot to excavate. I liked that. Feeling that I was इसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा बट हमारे पास अभी स्किल्स पॉइंट्स नहीं है. I aced that test. इसको भी करेंगे, इसको ऐसे शॉटगन मारा देंगे धड़ 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 गोलियां मारेगा फिर बंदा सामने वाला उड़ के दीवार पे चिपक जाएगा. हम शॉटगन को सबसे ज्यादा अपग्रेड करेंगे. ओके, स्किल्स भी हमारे पास कुछ है क्या? कपड़े चेंज किए जाए. चलो, ओ ये इतना अच्छा नहीं है. हम करने वाले ये वाला ना, ये वाला भी इतना चाहिए नहीं है. ओके, लाइक हर एक कपड़े की अलग स्किल है बट मैं स्किल को नहीं, मैं बस फैशन को देख के चूज कर रहा हूँ, यू नो. इसको देखते हैं, अभी ये ठीक लग रहा है, यही रखते हैं नॉर्मल वाला. ओके, हम लोग ये स्किल में से इसको अपग्रेड करते हैं. चलो, अभी स्किल्स पॉइंट्स हमारे पास बहुत सारे मिल रहे हैं तो हम बिना देखे धड़ाधड़ से हर एक चीज़ को अपग्रेड करते जाएंगे. अभी इतना मैटर नहीं करता है स्किल, समझ रहे हो. बट मैंने एक चीज़ का पता लगाया, मैंने लगाया कि क्या मैं ईजी में खेल रहा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल होता है हार्ड वगैरह है सब ना उसमें खेल रहा हूँ. पता चला नहीं, ये हार्ड ही ईजी सब एक ही है भाई, इसमें कुछ है ही नहीं भाई सीन, क्योंकि थोड़ा सा ओल्ड टाइम का गेम है. सो गाइस, समझ सकते हो 2015 का है. 18 में भी रिलीज हुआ था रीज ऑफ द थॉम करके आगे कुछ था, मेरे को पता नहीं इतना ज़्यादा. मैं ज़रूर से खेलूंगा, टेंशन नहीं लेना है मेरे को. थोड़ा हिस्टोरिकल गेम्स पसंद आ रहे हैं सो मैं थोड़ा सा, मेरे पीसी में स्पेस का प्रॉब्लम है, लाइक 250 GB मेरे पीसी का स्पेस है सो मैं ज़्यादा स्पेस वाले गेम्स अभी खेल नहीं सकता कुछ टाइम के लिए. ओके, बंदों तक हम पहुँचने ही वाले हैं सो हमें रेडी रहना होगा फाइट के लिए. किसी भी वक्त सामने हमारे 10-15 बंदे आ सकते हैं, धड़ाधड़ मारना पड़ेगा. ओके, मर जाए यार. इज्जत का ख्याल कर लो यार, इज्जत का बैठे, इज्जत का. ये क्या है भाई, पंख मिल रहे हैं हमें, बताओ किसी चीज की इज्जत ही नहीं बची दुनिया में. चलो निकलते हैं फटाक से यहाँ से और जैकब के जो पीपल से उनके पास चलते हैं फटाफट से बचाने के लिए. एंड गाइस, जिन्होंने भी इतने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया, इधर जाने के लिए जगह ही नहीं है क्या? ओके, इधर जाना है हमें. मैं पहले ही नहीं देख पाता हूँ, मैं देखता नहीं हूँ पहले मैं खुद से कोशिश करता हूँ कि मुझे जाने के लिए स्पेस मिल जाए बट जब नहीं मिलता है तब मुझे वी से देखना पड़ता है. आई मीन वी होता है हर एक गेम का हाइडन की, मतलब ऐसा समझ सकते हो, जिससे हमें हिंट मिलते रहते हैं कि कहाँ जाना वगैरह. अरे 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 बैठे इधर, ऐसा हवा चल रहा है ना पानी के साथ टोल फ्री पे, ऐसा गिरेंगे ना हड्डियाँ भी नसीब ना होगी. ओके, राइट में जाके पानी के ऊपर जो सीढ़ियाँ उन पर जाना है हमें. वैसे इस गेम का लाइक एक सीन है कि पहले पहाड़ है उनके ऊपर बर्फ जमी है, उनका पानी इधर है और पानी हो रखा है हर जगह पर. ओके, यहाँ पे लगाओ, इस पे चढ़ जाओ, ये सही है. ओए, इस गेम में सर्वाइव करना इतना हार्ड भी नहीं है. एंड गाइस, फायर का साउंड नहीं आ रहा है आपको? मेरे को आ रहा है भाई, बंदों का साउंड आ रहा है. अरे रीज ऑफ टॉम राइडर के काफ़ी सारे गेम्स है, आई थिंक 10-15, 20-25 होंगे बट ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा, ओल्ड इज गोल्ड, समझ रहे हो. ओके, ट्रिनिटी का हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहा है. ओ भैंस की टांग, यहाँ फाइट होने वाला है. दो तीन हेलीकॉप्टर से भाई, ये क्या है बकवास है, तीर मारने से क्या ही होगा. लॉन्चर वगैरह कुछ होता ना ऐसे फेंक के मारता दूर से फट से, हेलीकॉप्टर के टुकड़े हो जाते भाई. यहाँ पे एक पेड़ है उसको तोड़ लेते हैं फटाफट से लकड़ियाँ, लेकिन हम बो बना पाए. हमें हर एक चीज़ के लिए रेडी रहना होगा, सामने कभी भी 10 मैं इसके अंदर नहीं घुस सकते. थोड़ा डेवलपमेंट में ही था ये गेम शायद, अभी भी इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनकी कमी है आज भी, लेकिन ठीक है यार, अच्छा गेम है. ऐसे लाइक किसी चीज़ में कमी निकालो, कमी पड़ेगी. ओके, स्टोरी मोड. टेक हिम आउट, डोंट शूट,
ओ बेटे जैकब के सारे बंदे मर रहे हैं भाई एक एक करके। जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं वैसे ये सब मरेंगे। ये सही बता रहा हूँ, ये सब मरेंगे। इनको शांति से मारना होगा। हमारे पास कुछ वेपन्स नहीं है ना अभी। नहीं नहीं उसको नहीं, इस भेंडी को मारेंगे। एक गया। ये भी गया। मैंने सोचा नहीं था कि इतना शांति से काम करूंगा, ऐसा सोचा था बट अरे नहीं, कवर लेना पड़ेगा भाई। गया खत्म। अरे हेलीकॉप्टर सर के ऊपर ही रखोगे क्या? साइड में लेके जा भाई, हमें लूटपाट करने का है। सबको निपटा दिया है अभी। लूट करना बहुत जरूरी है वरना एमओ वगैरह की हमें कमी पड़ सकती है। मेरे को लगता है यहाँ पे अरे भाई ये लो, खतरे की घंटी बजने लगी। यहाँ पे इतने बंदे, इसका मतलब आगे और भी बंदे होंगे 100%। एमओ ही नहीं होगी, एरो ही नहीं होगी तो कहीं से मारेंगे ना भाई। यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे भी कुछ है। चलो अब सीधा सीधा निकल ही जाते हैं, यहाँ से भी नहीं पिकअप कर सकते भाई। बहुत गंदा गंदा साउंड आ रहा है पता आगे से। मैं शांति में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। यू नो लोग बोलते हैं बैटल रॉयल्स गेम्स में कि कैंपर वगैरह, बट ऐसे गेम्स में कैंपिंग ही सबसे बेस्ट होती है रियल लाइफ में भी। मैं भी, मेरे को रियल लाइफ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट थोड़ा बहुत है। मैं भी थोड़ा बहुत भी नहीं है। ओ भैंस की टांग, शॉटगन से नहीं, शॉटगन से नहीं। ओ जीजस निकल। She's there, open fire. तेरी भैंस की बच गया साले, रुक तू मरेगा कुत्ते की मौत। देख रहा ओपन फायर का नतीजा। ओके यहाँ पे कुछ तो है, पता नहीं क्या सीन है। ओ, ओ, ओ भाई ये लोग ब्लास्ट कर रहे हैं क्या सब कुछ ऊपर की तरफ? अरे क्या बकवास हो रही भाई। ओ, 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 ओ इसको ले लिया भाई, इसको धर लिया। ओके लोग सबको मार दे रहे हैं भाई, ये क्या बकवास है। सिर्फ तीन गोलियां और तीनों का काम खत्म। क्या मैं ऐसा करूं? वैसे कर सकता हूँ शॉटगन से धड़ धड़ धड़, बस तीन ही गोलियां होगी। बट मैं सोच रहा हूँ बिना गोली के मारूं इनको, आगे फेंकता हूँ या आगे चला जाएगा एक उनका बंदा। इनको पीछे से दोनों को ले लूंगा। अरे तू जा रे, तू देख नहीं तू जा रे मुन्ना। अरे 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 घूम मत, घूम मत भाई, घूम मत। हाँ उधर ही देख, उधर ही देख। अरे उनको पता चल गया। अरे भैंस की टांग, ले कर ले बात भाई। ये निकाला शॉटगन और ये भर दिया भाई। ये उठ के कैसे गिर रहा फाट से दीवार के ऊपर? हालांकि थोड़ा डैमेज लगा है बट ऑटो रिकवर आई थिंक हो जाएगा। यहाँ पे शॉटगन की एमओ है, नहीं चाहिए हमारे पास। बैकपैक वगैरह फुल है यार इतने, है ना 18 एमओ ओनली फॉर। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, हमारे पास एमओ होनी चाहिए 250-300। ऐसा जरूरत पड़ती है फट 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 करके बचा दे कान के नीचे, समझ रहे हो? बैठे नीचे गिर गए, ये क्या है? कुछ तो है, कुछ तो है। दो बंदे इधर है के, इसको इधर फेंकते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं इनको। एक बंदा उधर देखने जाएगा, एक और लपेट देंगे। अंडरस्टूड, वो उधर देखने जा रहा है, तू मर जा साले। चल तू भी मर जा। चलो चलो बेटे चलो, इन लोगों को जितना शांति से मारो ना उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है पता है। इधर पैसे मिल रहे हैं, मशरूम्स मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है भाई। जाना हमें सामने से क्योंकि मैं इसको देख के समझ गया था। ओके यहाँ पे पीपल्स जो है, ओहो इधर ही है जैकब के सारे बंदे, वो इधर ही है। ओके एक ही दिख रहा है अभी तो फिलहाल के लिए। ओके सोफिया भी इधर ही है, बहुत सही। माँ कसम मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। एक दो तीन, हो गया सबका काम क्या? मैं इतना फास्ट हूँ मेरे को पता नहीं था। फट 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 बात खत्म। सोफिया के काफी सारे बंदे मर गए। Maybe your people have sacrificed enough. It's all we've known. I misjudged you, Lara. Tell me how I can help you.
I've got to get the rest to safety. But the entrance to the catacombs is blocked. I'll find a way to clear it. ओके उसको तो हम खोल सकते हैं इतना इजी इजी ओके हमें दीवार तोड़नी होगी और कुछ यहाँ पे लूटने पाटने के लिए है नहीं और ना क्या होता है ना अक्सर बैटल रॉयल गेम्स में पैट भरता ही नहीं है कभी लूटने से तो यहाँ पे भी लूटने की आदत पड़ेगी समझ रहे और ये अच्छी बात भी है सर्वाइवल गेम्स के लिए आपकी आदत अच्छी होना बहुत ही अच्छी बात है ताकि आपको अच्छे से वेपन्स मिलते रहे वरना अक्सर ऐसा होता है आप कुछ मिस कर देते हो बीच में तो आपको वेपन्स नहीं मिलते काफी सारे बंदे बोल रहे थे रेजिडेंट इविल वगैरह खेलो सॉरी गाइस रेजिडेंट इविल थोड़ा हॉरर टाइप का गेम है मेरे को हॉरर गेम्स सच भी नहीं बोलूंगा और झूठ भी नहीं मेरे को थोड़े थोड़े कम पसंद है हॉरर गेम्स यू नो ऐसा बोल सकते हो फटती है मैं झूठ मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा बोल दोगे तो भी ऐसा यू नो हॉरर ओह कुछ तो मिला है हॉरर गेम्स में क्या होता है आप लाइक एंजॉय नहीं कर पाते बस वहां पे फटती रहती है सिलती रहती है फटती रहती है सिलती रहती है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ओके हमें मिल चुका है जो ग्रेनेड एरो है वो ओके यहाँ पे 5 ग्रेनेड्स और मिल चुके हैं काफी अच्छी बात है ओके बाकी हम यहाँ से कुछ नहीं उठा सकते ये काफ़ी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है एरो वगैरह कुछ भी नहीं इसमें से कुछ ले सकते हैं यहाँ पे कुछ मिलेगा 35 EXP मिलेगा ये क्यों दिए ना सीधी EXP दे देते यार कुछ चीज़ कलेक्ट करने के बाद ओके अब वो लोग भागे नहीं तो ओ बैठे ये टूटा देखा ऐसे होता है Thank you, Lara. They'll be safe in the catacombs for now. Hey, Lara ne in sabko bahar nikal diya. Let's go. The divine source. But my people will die to protect it. Your people are already dying. You can't protect it forever. We've lasted this long. But for now, I'm glad to have you as an ally. They're converging on the tower. We still got people there. Get the others to safety. They'll need you. Okay, Lara जाएगी किसी को बचाने या फिर पता नहीं कहाँ ओके समझ गया हम क्राफ्टिंग ग्रेनेड एरोज ये काफी अच्छी बात है हमें ग्रेनेड एरोज भी वैसे मिली गई थी मैं समझ गया था पहले ही बट अभी भी और भी अच्छी बात है हमें गेम ने हिंट दिया है ओके यहाँ पे हमें कुछ अपग्रेड करने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से देखते हैं पर ये बकवास मेरे से नहीं होती है भाई चल बे एक टाइम के बाद ना सीधा EXP वगैरह दे देना चाहिए इन सब लोगों को भाई ये बकवास नहीं करनी चाहिए ये कलेक्ट करो वो कलेक्ट करो भेंडी वाला भाई एक इंसान स्टोरी देख के भी समझ सकता है ओके इसमें अपग्रेड का ऑप्शन है काफी अच्छी बात है मैं रेट ऑफ फायर अपग्रेड करने वाला हूँ ओके काफी अच्छी बात है अब रेट ऑफ फायर बढ़ गया है ना एक घंटे में एक गोली चलती थी आई डोंट लाइक इट यार ओके इसको भी अपग्रेड करना है ओके कपड़े चेंज करते हैं हम लोग लारा के ये वाले अच्छे चलो यही रखेंगे चलो निकलते हैं यहाँ पे हाँ रेट ऑफ फायर बढ़ा तो है चलो लेट्स गो निकलते निकलना किधर से इधर से ही ओके टूटेगा ये टूटेगा पीछे कुछ तो है ऐसा कैसे हो सकता है टूटा नहीं भाई लो 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 ये कमी रह गई थी हाँ टूटा लेकिन पीछे वाला नहीं तो आगे वाला लेकिन टूटा जरूर कुछ टाइम का बीच में स्पेस मार दो यार मुझे नहीं पता ये जंप कैसी होने वाली है मेरे ख्याल से बहुत ही डेंजर ओके सामने का पहाड़ देखो भाई तुम पता मेरा दिल है बहुत घूमने जाने का बट मैं भी जा नहीं सकता क्योंकि थोड़ा बीमार चल रहा हूँ ना यार सोच के देखो 3-4 साल से तो जा नहीं सकता यार क्या कर सकते हैं ओके ट्रिनिटी का अटेंशन हमें अपनी तरफ करना है और ओके हमें वो मारना पड़ेगा जो मैंने सोचा नहीं है मैं बचा के रखना चाहता था इसे बट नहीं रख सकते कोई बात नहीं ओके हम अंदर घुस सके ओ
ये क्या बकवास है भाई, सामने तेरी भैंस के मर जा, तू मरेगा तो कुत्ते। ये क्या ग्लिच है भाई, थोड़ा मेरे ख्याल से हमको सेव करना कर लेना चाहिए, क्योंकि गेम बार बार में क्रैश होता रहता है, मैं नहीं चाहता फिर से क्रैश हो गेम, समझ रहे हो। तो अगर सेव कर लिया जाएगा तो हमें पीछे से नहीं, चल पेंडी चल, अबे फिर से जिंदा हो गया ये गया। अरे 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 अरे, अरे, अरे नया कवर चाहिए हमें, माँ कसम इनको ऐसी जगह पे मारूंगा ना। लाला को सीधा ग्रेनेड फेंकने का ऑप्शन दिया था ना, तो इतना मैं सबका बाजा बजा दिया था मैंने। ओके अभी भी सामने से फायर्स आ रहे हैं, आई थिंक हमें चलना चाहिए यहाँ पे रुकने की बजाय, यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली सच्चाई में। ओके फिर से ग्रेनेड एरोज मिल चुकी है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ से भी कलेक्ट करते हैं जो भी इनके सबके पास है वो सब कलेक्ट करते हुए चलते, ताकि हमें आगे की तरह बिल्कुल दिक्कत ना आए। ओके ये भी पिकअप, ये भी पिकअप, ये सब भी, ये सब भी, चलो अभी ग्रेनेड एरो। बैठे चलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सामने ज्यादा स्वागत होने वाला है हमारा, और मैं कट्टा बजाने वाला हूँ सबको। पिस्टल तो दूसरी चीज होती है तो कट्टा होता है, बचपन में मैंने वैसे ग्रेनेड मत फेंको यार, सख्त मत, मुझे ग्रेनेड वालों से सल, तुम तू मर जा, तू मर जा, हाँ हाँ भाग के आजा मेरे पास, आजा पुन्ना आजा। हाँ मैं कट्टे के बारे में कुछ बोल रहा था, वो कट्टा ऐसे वाला नहीं, वो जस्ट साउंड वाला कट्टा होता था, ऐसे लाइक ऐसा नहीं था कि भाई है ना बंदे को मारा वारा जा सकता, ऐसा नहीं यार, तुम लोग वायलेंस के चक्कर में मेरे को गिरफ्तार करवाओगे यार, वो नहीं होना है मेरे को। हाँ कसम फायर कर रहा है कोई तो। ओके अब जाओ बेटा निकलो यहाँ, परेशान मत करो, सब खत्म, क्योंकि हील भी हमने अपने आप को कर लिया है। लेट्स गो निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, फाइट में बोला था ना ट्रिनिटी के बंदों की काफ़ी तगड़ी फाइट होने वाली है अपनी। ओके हम लोग लूट पाट करते हुए चलेंगे, एमओ के वैसे हमारे पास कमी नहीं है, बट जो भी मिले वो अच्छी बात है। यहाँ से नहीं जाना क्या, ओह हमें हीट करके चल रहे हैं हम लोग। ओके यहाँ से भी कुछ पिकअप नहीं कर सकते हम लोग, क्या बकवास है यार, मेरे को बताओ ना ये इतना सारा लूट दिया है क्यों है, जब लेना ही नहीं। आ, ए सामने खड़ा हो गया, मार ले भाई, घर पर आ जाता मेरे, हेल्थ की माँ बहन कर दी। ओके इधर भी कुछ चल रहा है, अरे 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 एक हेड देखा, ये होता है, ये होता है, अरे रिलोड गलत टाइम पे मत आ यार, ये होता है कट्टा, देख रहे एक गोली बंदा खत्म, कट्टे की इज्जत करना सीखो यार। ओके अभी भी और भी बचे हुए, एक आध बीमारी ऊपर की तरफ, थोड़ा बच गया एक को लगा शायद, आई एम नॉट श्योर, ओ लगा 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 पेट है, ग्रेनेड मत फेंक यार, परेशान हो गया हूँ मैं, अभी देखा मेरे ऊपर फटता ना है तो मेरी फटके चार जगह हो जाती है अलग। फिर ग्रेनेड फेंक रहे हैं, वो थोड़ा दूर है, कितना ग्रेनेड फेंकेगा भाई, शर्म करना कुछ। ओ ओ फटा 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 बच गया मैं। ओ इधर ग्रेनेड है क्या, ओके फिर से 3 ग्रेनेड्स हमें मिल चुकी है जिससे एरो हम बना सकते हैं, लेट्स गो, कोई बात नहीं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है अभी बंदा बचा हुआ है एक आध यहाँ पे, तभी मेरा कैरेक्टर खड़ा नहीं हो रहा है, वरना कैरेक्टर एक से खड़ा हो जाता है एक 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 जगह पे फाइट खत्म होने के बाद में। ओके खत्म है, बढ़िया निकलते हैं यहाँ से। ओ ये क्या हो रहा है, स्टोरी मोड फिर से। ओह लगा लगा लगा, इनका चोपर गया भाई, खत्म इनका चोपर खत्म। वो कॉन्स्टेंटाइन जो बोल रहा था ना उसके फटके चार जगह पे, कॉन्स्टेंटाइन बोल रहा था मैं ऐसे करके मार दूंगा, ऐसे करके मार दूंगा, अभी क्या हुआ उसको पूछ के आना पड़ेगा। ले मार दे ब्लड मार दे, वो तो नहीं के एक और है क्या, बच गया, निकल निकल मुन्ना,
खोपड़ी दिखा तेरी। अभी गया ना मुन्ना, ऐसी बेवकूफियां नहीं करने चाहिए ना। अरे अरे तेरी भैंस की टांग, ये कहां से आ गया रे करामी का पिल्ला। मेरे को नफरत है ऐसे लोगों से भाई, मत कर अगर ऐसा। ओ बेटे ये बड़ी बकवास होने वाली है, बट इसका इलाज है मेरे पास, है ना है ना है ना है ना, इलाज है ना। अरे हरामी का पिल्ला पप्पा को मारने की कोशिश कर रहा है, बता। ये यार एमो इतनी पड़ी है इधर मेरे पास, मैं भाई सबको एरो से ही मार दे रहा हूँ भाई, फटाफट फटाफट। पता नहीं मैंने इसको वेस्ट क्यों किया, बट मैंने कर दिया। वैसे अभी के टाइम पे एक एक कीमती है, 5 है हमारे पास अभी भी। चलो निकलते हैं फटक से यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि हमें कुछ लेना भी तो है नहीं यहाँ पे। मतलब कितना एमो एमो सब पड़ा है भाई, लेकिन हम उठा ही नहीं रहे पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। छोड़ कर निकाला, नीचे से निकलते हैं आगे, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ओ बैठे तीन हो गए, ये क्या प्लानिंग बना रहे हैं भाई। तू भी चल बेटे, नहीं गया अभी चल, अभी भी नहीं गया अभी चल। ओ बेटे उतर के आ रहे हैं, ओ अच्छा कवर लेना यार, यहाँ कहाँ कवर ले लिया मैंने पता नहीं। शॉटगन से उतनी दूर से मार रहा है, ओके वो ऊपर से उतर रहे हैं लोग, चलो बढ़िया बात है। ये अंधे हैं क्या भाई, इनको पता नहीं चला इनके नीचे वाला बंदा जो है। चला जा कवर में चला जा, वो देखो वहां से शॉटगन चला रहा है, उसको शर्म ही नहीं है भाई, फट 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 करके वहां से शॉटगन चला रहा है। मैं अभी खत्म है क्या, अच्छा वो एक बंदा राइट में छुप गया था। मर बेटे तू मर मर गया। ओह ये स्वैट की जो भी इसको बोल सकते हैं, हेवी आर्मी। बेटे तुम्हारा इलाज है मेरे पास, निकलो। हो गया वो टाइम गया बेटे, वो टाइम गया। ओके स्टोरी मोड जैकब आ चुका है यहाँ पे। I fear this battle is far from over. Will you tell me more about this place? You've earned that much. Come with me. ये सोफिया देख रही है एंड जैकब उसको साथ लेके गया लारा को। कहीं पे तो ये लोग ऊपर आए हैं पता नहीं। In ancient times, our prophet brought the divine source to this valley. My ancestors built a test to protect it from the outside world. To what end? What is the divine source, Jacob? An artifact from a time long forgotten. We believe it holds a fragment of God's soul. Legend tells us those who beheld the source were granted immortality. But others have always been drawn here, seeking its power. Trinity. Yes. They seek to spread their darkness across the world. With the source, their soldiers would be unstoppable. Then help me find it before they do. This is not your burden. Of course it is. My father died for this. You can't fill the emptiness inside you, Lara. You can only set it free. I'm gonna find it. With or without you. ओके लारा बोल रही है कि मैं डिवाइन सोर्स को जरूर ढूंढूंगी पर तुम्हारे बिना, और लारा ढूंढने जा रही है डिवाइन सोर्स के रास्ते का मैप। You spilled blood for us. I want to help. You know where the atlas is. ओके सोफिया इसकी हेल्प कर रही है रास्ता बताने में। In the archives below. But we won't follow you there. Why? What will I find? There are others. The deathless ones. They will kill any who trespass,
My father believes they will stop Trinity. You can't take that chance. Oh, hey, ये सोफिया बोल रही है कि वहाँ पे डेथ सोल्जर्स रहते हैं जो कि किसी भी बंदे को जो यहाँ पे एंट्री करता है उसको मार देते हैं, चाहे वो ट्रिनिटी क्यों ना। तो लारा बोल रही है मैं रिस्क नहीं ले सकती, अगर ट्रिनिटी को वो मिला तो सब बर्बाद। ओके, अभी लारा जाएगी वो सब ढूंढने, ऐसा कुछ करने जिससे मैप का मैप, जिससे हमें डिवाइन सोर्स के बारे में पता चल सके कि उसकी लोकेशन, समझ रहे हो। बट ये गेम जितना आगे जा रहे हैं उतना हार्ड होता जा रहा है। अभी इतनी देर तक हमारा एक ही एनिमी था जो कि था ट्रिनिटी, बट अभी हमारा टू एनिमीज हो चुका है, वो है एक ट्रिनिटी एंड एक जो सोल्जर्स जो कि उस मैप की सिक्योरिटी करते हैं, इवन सिक्योरिटी बोल सकते हो। क्योंकि हमारा बाजा बजाने वाले उधर जाते ही हमें पहले ट्रिनिटी से निपटना होगा, फिर उन लोगों से, समझ रहे हो, या फिर पहले उनसे फिर ट्रिनिटी से, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये बात थोड़ी आगे की है। चलो अभी लोग हम लोग उन तक पहले चलते हैं, वही काफ़ी बड़ी बात है। वैसे हम लोग जैसे जैसे गेम में आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे डिफिकल्टीज बढ़ती जा रही है, देख रहे हो। मतलब कितना भी अच्छा जंप लगा लिया ना, फिर भी मैं नीचे गिरता, भी ऐसे बाजा बजता ना पट्ट से नीचे की तरफ खाई के अंदर भाई। अरे ये देख रहे हो, वैसे अच्छी बात ये है कि ये खाई नहीं है, वरना मेरा बाजा ऐसी जगह पे बजता ना कि कुछ बजने के लिए बाकी नहीं रहता। ये देख, मैं ना चाकू से पकड़ नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग समझ पा रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लाइक मैं सीधा सीधा ना इधर चाकू से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। वैसे कोई बड़ी बात नहीं, ये सब चलता रहता है। ओके, गंटरमल वैली वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ट्रिनिटी हर वही हर कहीं, मतलब सब जगह पे ऐसा कुछ बोल रही है। एनहेंसमेंट टूल, ओके, वेपन्स में जाते हैं, हम सब वेपन्स को अपग्रेड कर सकते हैं जिसमें से हम चूज करेंगे राइफल को देखते हैं, राइफल में कैसी ना, डेवल डैमेज को इक्विप कर लेते हैं, शॉटगन को भी करेंगे, बट अभी मेरे को लगता है राइफल को करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग रेंज में थोड़ा अच्छे काम में आने वाली है, मेरे को जहाँ तक लगता है। आई डोंट नो ये मैंने सही किया कि गलत, बट जहाँ तक मेरे को लगता है अभी शॉर्ट रेंज में हमें कम जरूरत पड़ने वाली है, लॉन्ग रेंज में ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा बंदे मिलेंगे तो शॉर्ट रेंज में हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो भर देंगे भाई एक मिनट में फट 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 करके। ओके, यहाँ पे कुछ तो है, तोड़ो इसको। यहाँ से हमें जंप करना है, की प्रेस, ये सही है, मतलब काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया। पीछे भी अनलूटेड है, हम लोग जाएंगे जरूर, कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते गेम के बीच में। ओके, यहाँ पे काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स हमें मिले हैं। ओके, यहाँ पे हमें एक्सपी मिलेगी, बकवास सी 20। वे ऑफ द वैली, मेरे को नहीं जानना है इस वैली वगैरह के बारे में, जो भी है ये चाचा ताऊ जो भी है। ओके, लैंप उठाया, ऐसे फेंका ना उधर पे, फटा सा नीचे जाके गिर गया, कोई बात नहीं, छोड़ दे मुन्ना। अभी हमें जाना है नीचे की तरफ, उस पेड़ को काटती है फटक से। पता है गेम में बेसिकली होता क्या है, हर एक चीज़ छुपी रहती है, आपको जो है पता लगाने की ज़रूरत होती है, समझ रहे हो कि कहाँ पे छुपी है हर चीज़। ये ऊपर तो वैसे कुछ है नहीं। ओके, सामने दरवाज़ा है ना, यहाँ पे माल मिलेगा हमें दबा के, इसे आग से काम चल जाएगा, पता नहीं, नहीं चलेगा, हम लोगों को बॉम ही फेंकना पड़ेगा। बॉम सेलेक्ट, लॉर्ड फायर, ये बात। चलो अंदर क्या मिलेगा, कुछ अच्छा मिल जाए। ओके, एक बॉक्स और, इसमें कुछ इनहेंसमेंट टूल मिलेगा, सम मशीन गन कंपोनेंट। ओके, 4 फाउंड करने, 3 हमें मिल चुके हैं, काफी अच्छी बात है। एक और मिलते हैं, हमें सब मशीन गन मिल जाएगी, क्या बात है, मशीन गन या फिर सब मशीन गन, पता नहीं सही से मैं पढ़ नहीं पाया, सॉरी। इधर काफी अच्छा सीन है मेरे को लग रहा है, काफी टूल्स मिले हैं, क्या सीन है। आई मेड अ मिस्टेक टुडे, नहीं मिस्टेक मत किया कर भाई, मेरे को मिस्टेक से सब नफरत है ऐसा। ओके, वहाँ जाने के लिए पेड़ चढ़ना पड़ेगा,
ये चेयर पे बैठने का ऑप्शन भी आ रहा है, ये काफी सही है। देखो सच सच बताऊंगा, मैंने गेम को रिस्टार्ट किया है क्योंकि चेयर पे बैठने के बाद एक ग्लिच हो गया था। पता नहीं मेरे को एक ग्लिच के लिए दिए क्या, ये चेयर है जो जैसे ही ऊपर बैठा हटाने का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं तो भाई सब क्लिक कर करके थक गया भाई, मेरे मेरे मैप में तो इतने ही पॉइंट्स थे दबाने के लिए भाई, भाई सब मैंने क्लिक कर दिया। ओ इधर कुछ तो है, बंदा है ये। ओके ये शायद अपने ही अब साइड है जो जगह पे उनका बंदा है। अगर सामने बंदा है ऐसा कुछ करके ये बोल रहा है, आई डोंट नो ये क्या बोलना चाहता है, बट सामने बंदे हैं ऐसा बोल रहा है। ओके भेंडी भरे पड़े हैं इधर भाई सब के सब, इसको इधर से ले सकता हूँ क्या? ओके एफ क्लिक अटैक। ओ बैठे अंदर ही ले गया ये सही है। दबा दे दबा दे दबा दे, हाँ दबा दी दबा दिया। ये बात इनको है ना इतना शांति से मारना, इनको पता ही ना चले किसी को। ओके ये बोनस वोनस की बातें कर रहे हैं, कंपनी नेम ओवर हैंडल नेम पता नहीं क्या क्या। मशरूम हमने उठाया, मैं इनके सामने गया ना कसम से ये लोग बाजा बजा देंगे। इसके पास में गया ये उठाते हैं, इनको बड़े दिमाग से मारना पड़ेगा पता है। इसको यहाँ पे फेंकते हैं, ओके वो एक ओके सबको पता चल चुका है। शांति से मैं करना चाहता था लेकिन एक भेंडी ने इधर से देख लिया मेरे को। मत कर रे, मत कर मुन्ना, मत कर ऐसा मत कर। हो गया अभी क्या, मैं बिल्कुल शांति से करना चाहता था कसम से, इतना शांति से कि किसी को पता भी ना चले। बंदे खत्म सारे, चलो लूटते हैं फटक से। इधर तो बोतलें वगैरह, मैं देखा भाई इक्विप करने का क्या ऑप्शन आ रहा है, क्यों उंगली करना पड़े और क्यों ही मरना पड़े। बट नहीं रे मरना तो जरूरी है रे बाबा, ऐसे कैसे काम चलेगा। ओके अंदर जाने का ऑप्शन नहीं है, ऊपर चलते हैं फटाक से। बंदा है क्या, लग तो नहीं है रहा है। चलो सही है, अंदर जाके लूट लेते हैं फटाक से। ओके सर्वर्स का पहले ऐसी करो भाई, ये हमारा तो एक मॉनिटर लेने में भाई हड्डियां बाहर आ जाती है। घर मतलब घर वालों से कर्जा लेते लेते ही एक मॉनिटर नहीं ले सकते। यहाँ पे साला मॉनिटर बांट रखे हैं गेम वालों ने, नहीं मतलब हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं गेम वाले, बताओ यार। यहाँ तो एक पीसी लेने में हड्डियाँ गीली हो गई भाई, बट वो अलग बात है अच्छा लिया है इसीलिए, कचरा तो हर कोई ले सकता है। ओके यहाँ पता नहीं मैं क्यों जंप कर रहा हूँ, बट यहाँ पे स्टोरी मोड है तो कुछ डेंजर हो सकता है। ओके चोपर ऊपर से क्या आ रहा है भाई, नहीं देखा बच गया एक। अरे यहाँ पे तो कांड हो रहा है भाई, दो तीन नहीं मैं सीधा अटैक करने वाला हूँ इस बार। ओके निकाला बॉम्ब में लगाते हैं बॉम्ब। ओके बॉम्ब लग गया एंड बॉम्ब बैठे तीनों गए। अरे तेरी भैंस की टांग मर जा रहे, खत्म सब खत्म। नहीं नहीं और भी है, देख बेटा जब किसी के पास एक के हो ना या फिर जो भी है ये एक के हो ना तब किसी के पास सीधा सीधा नहीं भागना चाहिए, वो टकले में तेल लगा के फोड़ डालेगा टकला, समझ रहा है। ओ अच्छा 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 डिस्ट्रैक्ट करने के भी काम में आ रहा है। नहीं ये अब ये आधा गेम होने के बाद तो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भाई ना ये जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने के काम में भी आता है। भाई बताओ यार कैसे काम चलेगा, अंदर कुछ तो है। थोड़ी बहुत वुड मिल गई, मैं ये नहीं छोड़ने वाला हूँ बिल्कुल भी भाई। इधर वैसे मैंने तीन को उड़ाया था, उनकी हड्डियाँ ना मिली भाई, इतना डेंजरस बॉम्ब है। दो की मिली भाई, ओके तीनों की मिल गई बढ़िया, तीनों को कोने में शिफ्ट कर दिया भाई बता रहा। ओके इधर कोई सर्वर नहीं रखा है क्या, ओके बूंदा बूंदी हो गई है। ओके एमओ क्राफ्ट कर लेते हैं थोड़ी ताकि बैकपैक में स्पेस हो जाए, ताकि हम और भी चीज़ें कलेक्ट कर पाएँ लोगों के बॉडी से। आई नो मैंने ये सब क्यों बोला है,
लेकिन बोला है के ऊपर चढ़ते ही इधर, और ये काफी अच्छा जंप था। ओए गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो यार, कुछ चीजें होती है जो कर देनी चाहिए। सॉरी गर्ल्स, आज मैं अच्छे काफी अच्छे से गेम खेल रहा हूँ, तो नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए लाइक कर दो एंड अच्छे गेम्स और भी आप लोग ज्यादा ज्यादा अच्छे अच्छे ग्राफिक्स लेवल के गेम खेले वाले। इस बार का गेम आई नो मैंने थोड़ा सा ओल्ड गेम सेलेक्ट किया, ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं, बट इसमें थोड़ा सा ना यू नो रेजुलेशंस भी अच्छे हैं, बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि गेम थोड़ा ब्लैक टाइप का है, समझ रहे हो, इतना इतना ज़्यादा मतलब ग्राफिक्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, रंगीन टाइप नहीं है थोड़ा, समझ रहे हो, ब्लैक एंड वाइट जैसा गेम है, मतलब पूरा का पूरा गेम नाइट वाइट का ही चला गया भाई, पूरा गेम नाइट में। ये बात मेरे को थोड़ी सी अलग लगी, यहाँ पे डे नाइट का भी थोड़ा सीन करना चाहिए था सिमुलेटेड गेम्स टाइप में ना, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं बट थोड़ा थोड़ा था यार, यहाँ पे कभी बर्फ गिर रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी रात है, कभी क्या है, कभी क्या है भाई, ये चल रहा है, सब कुछ रिलोड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक तगड़ी फाइट यहाँ पे होने वाली है, भड़ 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 करके सबका खोपड़ा टूटने वाला है। ओके, अभी मैं ये गेम को थोड़ा ये यहाँ पे थोड़ा, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, आजा 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 आजा, ओह किसी को नहीं पता चला, सब बेवकूफ है भाई, बॉट सब के सब। इसको इधर गिराते हैं, उसका टीममेट उधर देखने जाएगा। इतने बेवकूफ मैंने इंसान नहीं देखे आज तक। हाँ बैठ जा, सो भी जाएगा तो ना, नहीं बोलूंगा मैं तेरे को, ये भी गया। ओके बिल्कुल शांति से दो को लपेट लिया है, सबको इतना शांति से लपेटूंगा इन खुद खुद को भी नहीं पता चलेगा हम गए कहाँ पे भाई। ओके इसको इधर फेंकते हैं, वो देखने जाएगा, उसको भी टपका देंगे। जब दो एक जगह पे हो ना तो थोड़ा अलग मुश्किल हो जाती है, मतलब ये बोल रहा है कि पास में ही रहना वरना कोई लपेट डालेगा। समथिंग्स अप नहीं है बेटे, नीचे बैठो और मर जाओ बस, इसको पता ना चल गया हो। आप भी चलो बेटे, आप भी चलो, आप भी चलो, अरे पता चल गया, भाग गया अंदर से आला आरामी। अरे नीचे आ गया एक, लेकिन मतलब इन सब को अभी भी पता नहीं चला, ये भी गया, ये भी गया, गया गया, खत्म खत्म खत्म, सब खत्म। देख लो किसी को गोली चलाने का मौका नहीं दे तुम्हारा भाई ने, ये बात होती है बस, प्लेयर में और बॉट में ये डिफरेंस होता है, समझ रहे हो। ओके यहाँ पे लूटेड था, नीचे की तरफ से थोड़ा जाते हैं, मेरे को लग रहा है ना अभी अभी एक हाथ बचा हुआ है यार, ये देखो ना, ये वो भी गया ब्लास्ट में गया बेचारा, पता मैं चाहता नहीं था कि यहाँ पे कोई धमाका वमाका हो, ट्रिनिटी को पता नहीं चले आगे की तरफ वाले बंदों को कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, और ये लोग चाहते हैं मरना, बताओ हम क्या कर सकते हैं भाई। इसको अंदर फेंक के देखें क्या होता है। ओ मेरे, मैंने ये पहले क्यों नहीं किया, यहाँ पे जो तीन तीन घर थे उनको ही तो आने के, अरे रे 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 रे। ये लोग परेशान करेंगे थोड़ा मेरे को लग रहा है, अंदर है कुछ लोग, जैसे कि इसको फेंकता हूँ बेटे, सबके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया, यहाँ से नीचे से ऊपर जाने का ऑप्शन नहीं है, मरना मजा आ जाता भाई, पीछे जाने का भी नहीं है। क्या किया जाए बताओ, वैसे ऐसी लोकेशंस पे एक चीज की जा सकती है, कट्टा निकालो एक बार फिर से ये फेंक के ट्राई करते हैं। चल बे भेंडी ये खा ले पहले, एक गया तीर, दूसरा तीर गया, तीसरा, ओह
ये रहा था। ओके ये भी गया। ओ बेटे ओ बॉम्ब वाली नहीं से मेरे को निकल लगता है ना शायद एक कट्टा निकालना ही पड़ेगा भाई। ये कैसा था बता? नहीं क्या लगा था तेरे को तो मार देगा। अभी क्या? नहीं नहीं अभी क्या? हरामी का पिल्ला। पता नहीं मैं इसको क्यों फेंक रहा हूँ बट फेंक दिया है। ओ ये सारे सर्वर्स के ना ऐसे के। चलो निकलो यहाँ से। ओ यहाँ पे अभी करना क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये क्या बकवास है क्यों है भाई सब जगह पड़े हुए हैं हेडफोन्स वगैरह टाइप के कुछ। ये भी चल एक और बचा हुआ है इसको छोड़ देते। चलो नहीं चल तू भी निकाल। बट अभी हमें करना क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। कुछ बता ही नहीं रखा इधर। हाँ हिडन भी नहीं मिल रहा। ओके इधर तो जा ही नहीं सकते। इधर भी कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। हाँ भाई दे 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 दे। ओके ओके हमें इधर ऊपर जाना है अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा मेरे को। हमें पहले इस घर के ऊपर की तरफ जाना होगा जो कि हम लोग शायद से यहाँ से नहीं कर सकते नहीं कर सकते नहीं कर सकते। हमें ये करना होगा यहाँ पे ऊपर चढ़ो जंप करो। ओके यहाँ पे कुछ तो है सर्वर की ऐसी की तैसी। चलो सर्वर फोड़ दिया भाई। चलो अभी यहाँ से आगे बढ़ो। अभी हमें क्या करना है जंप मारो। गिर गया भाई। इधर पकड़ने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना कुछ। मैं क्या करूँ बताओ तुम लोग भाई। इधर से ट्राई करें। अरे ना ना अरे 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 नहीं हो रहा भाई। मेरे को लगता है थोड़ा हार्ड वगैरह है भाई इधर से। मतलब ऐसा मैं तुम लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कभी कभी मेरे को नई नई चीज़ें ढूंढने में ना ऐसे तकलीफ होती है। बट मैं इसको कट कर देता हूँ आप लोगों को पता भी नहीं चलता इसलिए बोरिंग फील ना हो इसलिए आज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि एक गेम के एपिसोड को बनाने में कितना हार्डली होता है यार। 20 मिनट्स का गेम बहुत हार्ड होता है भाई। 120 मिनट्स का अगर आप एक एपिसोड बनाते हो तो बहुत हार्ड होता है। इतना आसान नहीं होता है खेलते जा रहे हो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया ऐसा नहीं होता बॉस। उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है समझ रहे हो। आई नो मैं इतना इंटरेस्टिंग नहीं बना पाता हूँ बट मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाने का। ओके यहाँ से जंप कर पाएंगे। ओके दो जंप्स में आ गए बहुत सही। इधर कुछ है नीचे जाना है यहाँ पे कुछ है। लारा का देख रहे हो मतलब ये तरीका देख रहे नीचे उतर के फिर पढ़ना है ऊपर का ऊपर बैठ के नहीं पढ़ सकता। ओह ये क्या है। अरे तेरी माता भाई माता माता भाई माता मत कर डैमेज भाई मत कर। ये क्या आ रहा है भाई इसकी बैस की टांग तेरी रुक मारी भाई। हमने जो स्किल्स दिए उनका कमाल तो आ रहा है भाई काम में तो आ रही है स्किल्स भाई। एक दो मतलब बिना डैमेज खाए निपटा दिया भाई समझ रहे हो। ये होता है लारा क्राफ्ट। ओ ये देगा जो सोफिया की चीजें हैं वो काम में आ रही है। सोफिया से कुछ और भी लेना चाहिए था मेरे को बट मेल करेक्टर होता तो ले लेता। ओके ऊपर कोई है hands up? करता हूँ ना तेरे hands up ले साले hands up करवा रहा है ले ले नहीं ले 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 hands up ले ले कुछ और भी लेना है तो वो भी ले ले भाई मेरे से। खुद का तो धुलावा दिख ना रहा है दूसरे को बोल रहा hands up तो नहीं के चल। ओके ऊपर जाते हैं। ये रस्सी काफी अच्छी है वरना हम लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाते भाई इतना नीचे गिरते ना हड्डियां भी नहीं मिलती। ये भी हार्ड होने वाला है पकड़ा। एक जंप दो जंप ये सही था। मतलब ये कासल टाइप का नहीं लग रहा आपको
मेरे को तो वैसा ही लग रहा है, कासल ही है टाइप का नहीं लग रहा है। अभी क्या करना है? ये काफी अच्छा है। ओके, पिस्टल एक के शॉट कर लेते हैं। सब रीलोड है, तैयार है, बस घुसो, भड़ 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 करके भर दो सबको। सब रेडी है, अभी सही है। मैं चेंज कर रहा हूँ, पता है क्या, जैसे लाइक हैवी एमो एंड यहाँ पे कुछ है। ये थोड़ा मैटर सीरियस होने वाला है। नीचे ना गिरो प्लीज। नहीं गिरा भाई। ये सिंगल वॉल सी क्यों लग रही है मेरे को थोड़ा? अरे यार, ये क्या 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 करना क्या चाहते हैं गेम वाले भाई? सिंगल वॉल मतलब क्या भाई, मजा के? ओके, यहाँ से जंप करना है और फिर से पकड़ लेना है। ओ, 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 ओ नीचे नहीं, नीचे नहीं। ओके, बंदा भी है सामने ऊपर। वैसे बातें किससे कर रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। किसी से तो बातें कर रहा है मेरे मुन्ना। किससे बातें कर रहा है? ओके, वहां से, वहां पे है क्या? ये दोनों बातें कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के। क्यों, थोड़ा ससुराल है? इसको मैं भाग के जाके मार दूंगा पास में, और उसको मारूंगा अपनी बॉस से। इसको तो पता भी नहीं चला। अनना ना, वो आ मेरे बैठे। चलो ये इन लोगों को हरकतें देखो भाई, इन लोगों की बातें कर रहे खड़े। इसके बाद लूटने का, अच्छा हमने लूट लिया ना, उसको मारा था अभी। इनको मार भाई, हरकतें देखो इनकी। दो दो साल के बच्चे जैसे बातें कर रहे, चिल्ला चिल्ला के। भाई तुम लोग सीरियस मिशन पे हो ट्रिनिटी, तुम लोग को पैसा तो पता नहीं देती है कि नहीं देती? देती होगी, वरना भाई इधर क्यों रहते हो तुम लोग इतने बर्फीले तूफान में? बट मेरे ख्याल से अमर होने का ऑफर ज्यादा अच्छा दे रही थी, इसीलिए ये लोग यहाँ पे हैं। ओ बेटे, आधी बर्फ तो टूट गई। ओए, अभी यहाँ से ऊपर चढ़ना है। चाकू लगाते हैं हमारे। मैं पता नहीं इनको चाकू क्यों बोल रहा हूँ। लारा का सबसे फर्स्ट जो वेपन था वो यही था भाई। इधर से हमें नीचे जाना, सीधा सीधा रास्ता मतलब खतरे की घंटी। इस दुनिया में सीधा सीधा कुछ नहीं होता ना, वैसा ही कुछ ये भी है। ओके, लकड़ी पकड़ो, आगे बढ़ो। लकड़ी नॉट लड़की, समझ रहे हो? इधर पता नहीं क्या सीन है, आई डोंट नो इधर क्या है। वो बैठे, ये देख रहे हो, हर किसी को तो पहली बार खेलने वाले को तो मतलब ऐसे लाइक जो पीसी गेम्स पहले से नहीं खेला ना उस बंदे को तो समझ में नहीं आएगा ऐसे ऐसे। ओके, ऐना का साउंड आ रहा है। ये सही है ऐना जी। ऐना जो इसकी मॉम है, सेकंड है या फिर थर्ड है पता नहीं, फाइनल है जो भी है। ओके, हम कर रहे हैं जो भी हमें करना चाहिए। इधर नहीं, उधर ही जाना है ऊपर। ओके, यहाँ से जाना है ना ऊपर ना। ये पकड़ा, ये पकड़ा। ओके, ये इधर से ऊपर एंड अगेन। ओ बैठे, वहाँ पे जाना है हमें उतना ऊपर। नहीं, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ कि हमें जाना ऊपर ये, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई? मतलब ये नीचे वाली जमीन क्यों चमक रही है? मतलब ये दीवार क्यों चमक रही है? जमीन नहीं, सॉरी, मतलब जाना ऊपर चाहिए तो आइडन में भी हमें वही दिखाना चाहिए ना, बट नीचे वाला दिखा रहा है। ओ बेटे, पहुंच गए, ये बात। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, स्टोरी मोड ऑन। ऐना का साउंड यहीं कहीं से आ रहा था दोस्तों। ओके, ऐना यहाँ पे खड़ी है और पता नहीं क्या कर रहा है। ओके, चारों तरफ कुछ तो बिछा हुआ है ना, कि शायद बॉम्ब्स टाइप कुछ। आपने गौर नहीं किया होगा बट मैंने किया है। ओके, ट्रिनिटी के बंदे आ रहे हैं भाई, देखो आ गए भाई। ये बॉम ही है, बॉम ही है, बॉम ही 100%। इधर से भी आ गए, पीछे से भी आ रहे क्या? आ गए भाई, पीछे से भी घेर लिया लारा को।
लारा ने लगा एना के गणपति पे गन। ये बात मेरे को पता था यही करने वाली, लास्ट ऑप्शन यही होने वाला लारा के पास। ओके लारा को चारों तरफ से घेर लिया। आई डोंट नो अब लारा क्या करने वाली है। क्या लगता है आपको लारा क्या करने वाली है? ओके लारा बॉम्ब्स को देख रही है। ओके बॉम्ब्स इसमें काफी सारे हैं। वो तो है। ओके पैर फंसा लिया है अपना जो भी है रस्सी वगैरह में। बॉम्ब्स के ऊपर गोली मार दी बेटे। ये सब कुछ डह गया भाई। लो अब गिरे अंदर दोनों। ओ बेटे ये लारा को पहले से पता था सब कुछ कि हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। ऐना बच गई भाई रस्सी में फंस के। ओके अभी हमें ओके जनरेटर हमें ब्लास्ट करने होंगे वरना दोनों मर जाएंगे लोग। एक गया, एक गोली लगा, एक गोली इसको। ओ दो गोली में फटेगा ये भी। एक गोली ओके एक गोली प्लीज प्लीज एक गोली। ओके बच गया एक गोली और। ओ बेटे गिर गया मैं। अरे ना ही बच गई थोड़ी सी। ये अच्छा था वो बॉस। तो गाइस आज का एपिसोड आप सभी को कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड लारा ऐना के बीच में बातें हो रही है कि मेरे को ऐसा लगता था ना कि ऐना के दिल में अभी भी कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर लारा के लिए, बट अभी ये देख के नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है भाई। चलो गाइस इस एपिसोड को जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ एक न्यू एपिसोड में। बाय बाय।